टिकरी गांव में पिछले 5 साल में अगर आप सर्वे करेंगे तो इतना अच्छा काम हुआ, इतना ज़्यादा काम हुआ है। उसके अंदर जो फंड हमें कभी नहीं मिला है यहाँ इस पंचायत के अंदर, वो फंड हमारे धारा सभ्या अपने फंड से भी दिया है, हमारे सांसद श्री डॉक्टर के सी पटेल ने भी अपने फंड से दिया हुआ और नोटिफाइड से करोड़ों रुपये का फंड आकर के और उसका काम किया गया है। सोनू भाई का ज्यादा ध्यान खीरी पे रहता है, अभी तो मंत्री बन गए हैं, तो अभी इसके बारे में आप और क्या? मैं गांधीनगर उनको स्पेशल जाकर के 2 बार मिल के आया। पहली बार जब उनको आभार व्यक्त करने के लिए मैं गया था, उस वक्त तो बहुत भीड़ थी, ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन सेकंड टाइम जब वो गए मैं गया था, उस वक्त गांधीनगर में प्रचार चल रहा था इलेक्शन का, उस वक्त मुझे फोन पे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आप रुकिए मैं आता हूँ, और उनके साथ 1 घंटा भर मैंने बैठा था, मैं चाय पानी भी साथ में किया और मुझे बहुत सारा सोचा दिया कि मैं छीरी के लिए कोई भी काम बाकी नहीं रखूंगा, मुझे आप बताइएगा मैं काम करके दूंगा। इसके लिए छीरी गांव का जनता का बहुत बहुत आभार जनताओं को व्यक्त करती है कि ऐसे हमारे धारा सभ्या यानी मंत्री श्री हैं जो अपने गाँव पे छोटे छोटे काम पे भी ध्यान देते हैं। जय भारत, जय हिंद। नूर भाई, आपने मंत्री जी का स्वागत किया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे कन्नू भाई जब धारा सभ्या थे, फक्त धारा सभ्या थे, उस वक्त भी छीरी पे उनका खास ध्यान था, उन्होंने छीरी के लिए बहुत सारा काम किया है। मैं इसे कहने जाऊंगा, आंकड़े में तो नहीं कहना चाहता हूँ भी, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया, इतना ज़्यादा फोकस था छीरी के ऊपर कि सारे समस्या का समाधान उन्होंने किया है। लेकिन अभी तो मंत्री बन गए हैं और उन्होंने मंत्री का पद भी बताया और उन्होंने खुद से मुझसे कह दिया कि सारा समस्या का समाधान महीने 2 महीने में हो जाएगा। सबसे बड़ा समस्या अपने गांव में अगर मानो तो अभी GIDC सटा हुआ गांव है, इसलिए पानी का समस्या है, क्योंकि GIDC बाजू में जो फैक्ट्री है उसकी वजह से हमारा गाँव का जो बोरिंग का पानी है वो खराब हो चुका है। इसके हिसाब से जो पानी जो अपना GIDC का पानी या फिल्टर पानी का जो कार्यक्रम चालू हो जाएगा 1.5-2 महीने में भी, तो बहुत बड़ा उनका उपकार और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी उन्होंने आश्वासन दिया इसके लिए।